हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। बुलंदशहर में भी लोग सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं। ट्रेन हो, रोडवेज हो, बाजार, मंडी, चौराहे, यहां तक कि अस्पतालों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। ये पहल इसलिए की गई है ताकि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। जनता कर्फ्यू को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की है, ये दिखाएगा आपको हमारा टाइम 24 न्यूज। कोरोना वायरस का किया गया जनता कर्फ्यू को लेकर बुलंदशहर में इसका कितना प्रभाव पड़ा है, इस जानकारी के सीधे तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार बुलंदशहर से। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जनता कर्फ्यू का प्रभाव बुलंदशहर में किस तरह का पड़ा है। सर, बुलंदशहर में इस वक्त जनता कर्फ्यू को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? सर, देखिए, आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। अभी हम लोग खुर्जा के एक चौराहे पर खड़े हैं, पूरी रोड साफ़ हैं, समस्त दुकान बंद हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आज सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जनता कर्फ्यू है। इस जनपद की सारी व्यावसायिक, औद्योगिक, निजी या सरकारी प्रतिष्ठानें बंद हैं। केवल हॉस्पिटल और दवाई दुकान को छोड़ के समस्त दुकानें बंद हैं। मार्ग पे सारी ट्रैफिक बंद है। तो लोगों को से आप लोगों के माध्यम से आह्वान करता हूं कि लोग अपने घर में ही रहें और आज शाम 5 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए आह्वान के संबंध में ऐसे समस्त लोगों के उत्साहवर्धन के लिए, जो लोग अभी कोरोना के समय में अपना जान रिस्क में डालकर पब्लिक सर्विस दे रहे हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए लोग अपने बालकनी या घर के दरवाजे पे आके तालियां बजाकर या कॉलवेल बजाकर उनका उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। SSP संतोष कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था का भी जायज़ा लेंगे, उनसे भी मालूम करेंगे कि आखिर अगर कोई जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करता है तो किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस को किस तरह सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में लगाया गया है। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे पूरे भारतवर्ष में जनता कर्फ्यू आत्मारूपित है और लोग बड़ी निष्ठापूर्वक इसका पालन कर रहे हैं। हम लोगों ने जिन लोगों को सड़कों पर भी देखा, जानकारी करने पर पता चला कि या तो बीमार थे या दवा लेने जा रहे थे या उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई थी, तो अपने आप लोग इसका पालन कर रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि लोगों को मोटिवेट करके कोरोना वायरस के प्रति संवेदनशील बनाना और ये प्रयास करना कि लोगों में एक स्वयं की सेंसिटिविटी आए और वो सेल्फ इम्पोज तरीके से अपने को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जुड़ें। बुलंदशहर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व SSP संतोष कुमार का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर जनता से जो अपील की गई है उसका जनता पूर्णता से पालन कर रही है। हम लोग भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। अनावश्यक घूमने वाले व्यक्तियों को घरों में जाने के लिए कहा जा रहा है। आवश्यक कार्य होने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकले, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। जिस भी व्यक्ति को आवश्यक कार्य है, बीमारी है या कोई अन्य वजह से उसे बाहर जाना है तो ही बाहर निकल सकता है। भारत के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी वायरस के प्रकोप में पूरा देश बंद किया गया है और ये कहने में भी हमें कोई संकोच नहीं है कि अगर स्थिति और नाजुक होती है तो जनता कर्फ्यू को फिर से लागू किया जाएगा, क्योंकि इस वायरस का बचाव ही एकमात्र इलाज है। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में महामारी घोषित की गई है, जबकि कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च यानी आज के दिन जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया है। सड़कें हो या बसें हो या रेलवे स्टेशन हो, यहां तक कि अस्पताल तक में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। बात अगर जनता कर्फ्यू की जाए तो लोग इसका पालन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। लोगों में भी कहीं ना कहीं इसका खौफ नज़र आ रहा है, जिस तरह से ये एक दूसरे में कोरोना वायरस फैल रहा है उसको लेकर लोग सुरक्षित अपने घरों में हैं। फिलहाल इक्का दुक्का लोग सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, जो जिन्हें इतनी छूट दी गई है कि अगर कोई घर में शिशु या वृद्ध बीमार है तो उसके लिए दवाई हेतु या फिर ज़रूरी काम के लिए बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा अनावश्यक काम के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। SSP संतोष कुमार सिंह ने भी हमें बताया कि लोगों पर दबाव नहीं बनाना है बल्कि उन्हें जागरूक करना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए 22 मार्च के दिन जो लगाया जनता कर्फ्यू उसका पालन करें और इसका सहयोग करें ताकि कोरोना वायरस से लड़ा जा सके। आपको साफ तौर पर बता दें कि
अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी देश, कोई भी साइंटिस्ट इसका इलाज नहीं ढूंढ पाया है। सबसे बेहतर इलाज इसका केवल बचाव है। सुरक्षित रहें, घरों में रहें, सावधान रहें और जितना हो सके लोगों के संपर्क में आने से बचें। कैमरा पर्सन दानिश गफ्फार और सहयोगी शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज़, बुलंदशहर। Time 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।